हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एक ऐसा आईपीओ आया था पिछले साल, काफ़ी गुमसुम सा। लोगों ने उस आईपीओ को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन वो मार्केट में आया। मार्केट में आते ही लिस्टिंग भी ढंग से नहीं हुई, शेयर का प्राइस गिर भी गया। जैसे जैसे मार्केट का जो टाइमिंग था, उसका जो आईपीओ आने का, वो टाइमिंग मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा वो टाइमिंग था। और उसके बाद जैसे जैसे उसने जब स्पीड पकड़ी, तो आपके 1 करोड़ को उसने ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास का रिटर्न बना के दिया है, ये मान के चलिए। ऐसा रिटर्न पिछले 1 साल के अंदर आपको यकीन नहीं होगा। आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अभी भी कमाई में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो कमाई आज भी ये दिखा रहा है वो कमाई काबिले तारीफ है। आप कहोगे, अरे वाह भाई, क्या बात है। एक छोटा सा स्मॉल कैप का शेयर जो कि मिड कैप की तरफ को इतनी स्पीड से भाग रहा है, किसी टाइम पे 3000-4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ करता था। आज की डेट में यही मार्केट कैपिटलाइजेशन 11-12 हज़ार करोड़ हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। एक नज़र देखते हैं शेयर को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि थोड़ी मेहनत हम करते हैं, थोड़ी मेहनत आप कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तब तक हम लेके आते हैं आपके लिए इस शेयर के बारे की डिटेल्स। आवास फाइनेंसरीज की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, आवास फाइनेंसरीज ऐसा चुपके चुपके निकल गया ये शेयर कि टोटल सब्सक्रिप्शन 1 गुना भी पूरा नहीं हुआ। ये देखिए 0.97। अब आप खुद सोचिए, ऐसा सब्सक्रिप्शन, ये अक्टूबर लास्ट ईयर की बात है, मतलब जो टाइमिंग इसने चूज की थी वो इतनी बुरी टाइमिंग थी। इसी अक्टूबर के टाइम पे पूरी मार्केट डाउन चली थी, तो इसको किसी ने पूछा ही नहीं। सब लोग पैसा निकाल रहे थे मार्केट से, मार्केट गिर रही थी, तो टाइमिंग गलत होने की वजह से ये शेयर जो 818 का इसने इशू प्राइस रखा था, तो जिसको मिला होगा उसने भी बेच दिया होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर किसी ने होल्ड किया है तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग थी ना, वो बहुत गलत टाइमिंग थी आईपीओ की। वो ऐसी टाइमिंग थी जब डर का माहौल चल रहा था मार्केट में, और ऐसी टाइमिंग में जब कोई आईपीओ लेके आएगा तो भाई गिरेगा ही गिरेगा। अभी दिखाते हैं, देखिए, आईपीओ की जब लिस्टिंग हुई थी तो 818 का प्राइस रखने के बावजूद भी इसने 710 का लो बनाया। अब आप सोचिए, उसी लिस्टिंग के दिन ये 100 रुपये नीचे गिर गया, क्योंकि मार्केट में टाइमिंग बहुत बुरी थी। अब ये चीज़ तो ठीक है, 821 के आसपास, 818-821 का जो भी प्राइस रखा गया था, इतने नीचे लिस्टिंग हुई, लेकिन ये गिरावट यही नहीं रुकी, आने वाले टाइम पे और गिरावट आई, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा था। और अगर आप देखोगे, अलग अलग सब्सक्राइब जो रिव्यूअर्स होते हैं, जो आईपीओ को रिव्यू करके बताते हैं, उन्होंने कहा था अगर आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया शेयर है। ऐसे इसको रिव्यूज़ भी मिले थे, लेकिन टाइमिंग ही ऐसी थी। अब आज की डेट में मैं इसको बताऊंगा, आवास फाइनेंसरीज की मैं बात कर रहा हूं, आवास फाइनेंसरीज लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस का ये छोटा सा स्टॉक आज की डेट में 12,000 करोड़ के पार का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। अगर उस टाइम की आप डिटेल इसकी देखोगे तो कैसी डिटेल थी आईपीओ के टाइम पे, आपको यकीन नहीं होगा। ये एक नजर देखिए, आप समझिए। ये देखिए जो टोटल रिवेन्यू था, ये सारी फिगर जैसे मिलियंस में है, ये रिवेन्यू देखिए किस तरीके से ये रिवेन्यू हुआ करता था, धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ रिवेन्यू, 54 करोड़, फिर 103 करोड़, फिर 190 करोड़, फिर 305 करोड़, सब कुछ देख रहा था कि हाँ भाई सब बढ़ रहा है। प्रॉफिट देखिए, जो 6 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 19 करोड़ हुआ, फिर 32 करोड़ हुआ, फिर 57 करोड़ हुआ, फिर 92 करोड़ हुआ। प्रॉफिट देखिए कितना बढ़िया बढ़ रहा था। ये उस टाइम की बात है जब आईपीओ आया था, जब मैं बता रहा हूँ आपको, जब आईपीओ आया था। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए कि कैसा हुआ, इतना स्ट्रांग, इतना स्ट्रेंथ वाला आईपीओ, जो कह रहा है भाई मेरा बहुत ज़बरदस्त सब कुछ, मेरे पास जो है मेरे एसेट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया। जब सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की डेट में वही लोग कह रहे, अरे वाह, उस टाइम पे क्या पता सब्सक्राइब किया होता। लेकिन अगर आप उन लोगों में से एक हो जिनको ये आईपीओ मिला था, या आपने उसकी गिरावट में खरीदा था, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। 12,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 1600 के आसपास चल रहा है प्राइस, और सेल्स ग्रोथ 54% की, और प्रॉफिट ग्रोथ 75% का। अब इसका पिछले कुछ रिजल्ट देखिए और पता लगाइए। देखिए 32 करोड़, 57 करोड़, 90 करोड़, 176 करोड़, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। सेल्स के नंबर्स देखिए, 190, 305, 494, 710, बहुत ही बढ़िया। अब आज का रिजल्ट, आवाज़ फाइनेंशियलीज की बाकी डिटेल बाद में करते हैं, पहले रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट आज 3:15 बजे के आसपास आया, मतलब इसका थोड़ा बहुत असर आज के मार्केट पे पड़ा होगा। तो रिजल्ट जो आया वो देखिए, अब ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे नंबर जो हैं ये लैक्स में हैं, अब मैं इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊँगा, तो ध्यान से सुनना और समझ। बिल्कुल, ये देखिए
इस बार का जो नंबर मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है ये पॉइंट लगा के मैं करूँ 231 करोड़ का, 231 करोड़, क्योंकि ये पॉइंट भी है तो मुझे थोड़ा सा क्लियरली देखना है। 231 करोड़ का ये नंबर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यही नंबर लास्ट ईयर था 163 करोड़ का। तो देखिए 163 करोड़ से ये 231 करोड़ तक ये टोटल इनकम बढ़ गई, मतलब अभी भी कमाई आपके पैसे को इसने 1 करोड़ को ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास कर दिया पिछले 1 साल में, लेकिन कमाई अभी भी वही है जबरदस्त वाली, कोई कमी नहीं है कमाई में भाई इतनी जबरदस्त वाली। अब ये देखिए एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, 107 करोड़ से एक्सपेंसेस 140 करोड़ तक गए हैं इस बार, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप, क्योंकि आप बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो फिर उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर टैक्स 140 करोड़। हाँ ये ओवरऑल 91 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले साल था 56 करोड़ का, लेकिन ये बिफोर टैक्स है। अब टैक्स एक्सपेंसेस भी लगेंगे, उसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो मुझे लगता है भाई ऐसा स्टॉक मिल जाए तो भाई वाह वाह। ये देखिए 76 करोड़ का प्रॉफिट, 76 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल था 35 करोड़ का। 35 का दुगना होता है 70, 70 से 6 करोड़ ऊपर है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो 2 टाइम से, 2 गुने से ज़्यादा प्रॉफिट अभी दिखाया है। जून में 45 करोड़ का प्रॉफिट था भाई, वाह रे वाह, मैं कहूँगा वाह। जो 4.91 का अर्निंग पर शेयर था वो 9.72 का हो गया, मतलब डबल, सब चीज़ डबल। अब ऐसा शेयर, अब आप बताइए कमेंट के थ्रू कि आपने क्या, आपको ये आईपीओ में मिला था क्या, आपने इसका आईपीओ सब्सक्राइब किया था, क्योंकि जो टाइमिंग थी वो बहुत गलत थी आईपीओ की, और उसी का कारण उस ये चीज़ उस टाइम पर इसने भुगती, इसका जो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। अदरवाइज इसका सब्सक्रिप्शन कम से कम ये है कि इसकी लिस्टिंग ही आप ये मान के चलिए 800 के बाद 1200-1300 पे इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए थी, एक ऐसा स्टॉक था। लेकिन देखिए आप, अब हम बात कर रहे थे टेक्निकल पे जाते हैं, इसको शेयर को देखते हैं। ये देखिए आप इसका अगर चार्ट देखें, पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, जब ये आया था मतलब 800 के आसपास की लिस्टिंग होनी थी, लेकिन यहाँ देखिए कितना लो इसने बनाया था, 707, 818, 820 का प्राइस रखा गया था, इतना लो। फिर शेयर ऊपर ज़रूर गया, लेकिन उसके बाद ये गिर के 600 के लेवल पे आ गया, मतलब उस टाइम पे ऐसी गिरावट थी, ये 600 के लेवल पे आ गया। और जिसने इसको 600 पे ख़रीदा होता, यहाँ पे 600 के लेवल पे जिसने ख़रीदा होगा, 600 या 610 जो भी है नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे, और अभी ये 1800 के आसपास का हाई इसने टच किया, 1722, 1750 के आसपास का। तो मतलब कि अगर किसी ने यहाँ पर लगाया तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ को 3 करोड़ कर देना, ये तो नंबर मैं वैसे बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझ पाओ कि 3 गुना कर दिया सिंपल सिंपल। तो 1 करोड़ को 3 करोड़ कर दिया इसने आपके पैसे को, अगर इस टाइम से इन्वेस्ट किया होता। और उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, पिछला 1 साल था ये टॉप गेनर्स में आता है पूरे 1 साल के, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। थोड़ा सा करेक्शन आता है फिर उड़ जाता है। देखिए यहाँ पे मार्च के टाइम पे हल्का सा करेक्शन आया था, जब ये शेयर 1300 के लेवल से गिर के ऑलमोस्ट 1100 के लेवल तक गया था, मतलब 200 रुपये की गिरावट थी, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर, फिर से कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर धीरे धीरे करके बिल्कुल नई तरफ से चढ़ गया। और मुझे लगता है कि इस शेयर की लिस्टिंग जो है वो थोड़ा सा ये उस टाइमिंग की वजह से, अदरवाइज ये 1100-1200 के आसपास तो इसकी लिस्टिंग होनी ही चाहिए थी। अब आप देखिए कैसा लगा आपको ये डिटेल, ये शेयर क्या आपने आईपीओ में इसको अप्लाई किया था, क्या आपको अलॉट हुआ था, क्या आपने ये गिरावट में ख़रीदा था, तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। ऐसे वैल्यू इन्वेस्टर को हम भी ढूंढ रहे हैं भाई, थोड़ा सा हमें भी डाटा मिल जाए। और आज का कारोबार जैसे कि मार्केट यहाँ पे देखिए, आवास फाइनेंसरीज लिमिटेड 3:15 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, तो इसका असर मार्केट पे देखते हैं कैसा रहा आज की डेट में। ये देखिए आज का अगर मैं सिंगल डे का प्राइस देखूं तो 3:15 बजे के आसपास का डाटा देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसा परफॉर्मेंस इसने आज की डेट में दिया है। ये देखिए भाई क्लियर कट सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे आज की डेट में इन्वेस्टर को ये पसंद नहीं आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 1640 के प्राइस से ये गिर के 1588 तक आया, और उसी टाइम पे रिजल्ट के टाइम पे इसमें बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। आप क्लियर कट देखिए, बड़ी सेलिंग यहाँ पे रिजल्ट के टाइम पे देखने को मिली है आवास फाइनेंशियलीज में। ओवरऑल इसमें 2-2.5% का गिरावट आज की डेट में रहा है, खूब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ऐसा लगता है, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपने देखा कि कैसा रिजल्ट रहा जो मैंने आपको बताया अभी। तो वो क्लियर कट वही इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, जो बीएससी इंडिया की वेबसाइट है वो मैंने आपके साथ शेयर करी। आवास फाइनेंशियरीज की हमने बात करी, यहाँ पे किसकी बात करी है, आवास फाइनेंशियरीज। अब देखते हैं एक नज़र इसके मेजर प्रमोटर कौन है भाई। ये इसके मेजर प्रमोटर अगर आप देखोगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है यहाँ पे, और नोमूरा का शेयर होल्डिंग अच्छा खासा है, सुशील कुमार अग्रवाल जी का अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने भी पैसा लगा रखा भाई, और घनश्याम रावत जी का भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ इसमें। आगे मेजर प्रोमोटर लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग लिमिटेड इसका है,
पार्टनर्स ग्रुप ESCL लिमिटेड दूसरा बड़ा प्रमोटर है, और तीसरा पार्टनर्स ग्रुप प्राइवेट इक्विटी मास्टर फंड LLC, ये तीन इसके मेजर प्रमोटर हैं। चलिए, ये हमने बात करी आवास फाइनेंशियल की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थोड़ा मेहनत हम करते हैं, थोड़ा मेहनत आप कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।